वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे थोड़े दिन बाद क्रिसमस आने वाला है तो उसी के लिए मैं आपके साथ प्लम केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो देखते रहिए। तो सबसे पहले लेना है 1/4 कप ड्राइड क्रैनबेरीज, ये इजीली मार्केट में मिल जाएंगी आपको। उसके बाद लेना है 1/4 कप चेरीज, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। 1/2 कप रीजन्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है प्लम केक में। उसके बाद लेना है 1/2 कप टूटी फ्रूटी, और अभी इसमें डालेंगे 1/3 कप ऑरेंज जूस। ये मैंने फ्रेश ऑरेंज जूस यूज किया है। अगर आपके पास ऑरेंजेस है घर में अवेलेबल तो वो बेटर रहेगा, अगर आप फ्रेश जूस यूज करेंगे तो। अब इन सब को जूस में अच्छे से मिक्स कर लेना है, और अगर आपके पास रम अवेलेबल है तो आप ऑरेंज जूस के बदले आप रम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो अच्छे से डिप होनी चाहिए, इसके लिए उसे अच्छे से प्रेस कर लेना है, देखिए कुछ इस तरीके से। अभी इसे ओवरनाइट के लिए सोक करने रखना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 2-3 घंटे भी सोक कर सकते हैं, या फिर आप इसे ऑरेंज जूस के साथ पका सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। प्लम केक का बैटर रेडी करेंगे, उसके लिए लेना है 1/2 कप वेजिटेबल ऑयल। ध्यान रखिए ऑयल आपको कोई फ्लेवर वाला नहीं लेना है। उसके बाद डालना है 1/1/4 कप पाउडर शुगर, अगर आपके पास ब्राउन शुगर अवेलेबल है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। अभी इसको अच्छे से विस्क कर लेना है और एक स्मूथ बैटर बनाना है। अभी ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी इसमें डालेंगे 1 कप दही, आप होममेड दही भी यूज कर सकते हैं इसमें। इसको भी अभी अच्छे से मिक्स करके स्मूथ बैटर बना लेना है। ये भी हो चुका है। अभी इसमें डालना है 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। अभी इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, तो सबसे पहले लेना है 1.5 कप मैदा, फिर उसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, और अभी सबको अच्छे से सिफ्ट कर लेंगे। अभी इसमें थोड़े स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसके लिए हमें लगेगा 1/4 टीस्पून सिनेमन पाउडर, 1/8 टीस्पून क्लोव पाउडर। अभी क्लोव पाउडर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप घर में जो लवंग रहती है उसे थोड़ा सा क्रश करके उसका पाउडर बना लीजिए, वो भी चलेगा। अभी इन सबको अच्छे से विस्क की मदद से मिक्स करेंगे और एक अच्छा स्मूथ बैटर बनाएंगे। ध्यान रखिए बैटर को कभी भी ओवर मिक्स नहीं करना है। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कोको पाउडर। जैसे कि आपको पता है कि प्लम केक थोड़ा डार्क कलर में होता है, अगर आप ब्राउन शुगर यूज कर रहे हैं तो आपको कोको पाउडर यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, उससे वो नेचुरली उसका ब्राउनिश कलर आ जाएगा। तो अभी इसको भी बैटर में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए अभी ये स्मूथ बैटर तैयार है, और ये देखिए ये हमारे रात भर सोक किए हुए क्रैनबेरीज रीजन्स एंड चेरीज है। रात भर सोक करने के बाद ये थोड़े साइज में बड़े हो जाएंगे या थोड़े फूल जाएंगे, तो अभी इन्हें बैटर में डालेंगे। थोड़े से बचा के रखिए ऊपर से डालने के लिए। उस
इसके बाद थोड़े ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, काजू और बादाम या फिर आप वॉलनट्स भी डाल सकते हो अगर आपको पसंद है। और इसको भी क्या करना है, थोड़ा सा मैदा लेके उसे अच्छी तरीके से उसमें कोट कर लेना है। इससे क्या होता है, ड्राई फ्रूट्स एकदम से नीचे जाके नहीं बैठते हैं बैटर में, इवनली स्प्रेड होते हैं बैटर में। ये बहुत ही एक अच्छा ट्रिक है, तो आप इसे जरूर यूज कीजिए। अभी सब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। चुका है, तैयार है अभी हमारा बैटर। मेरे पास ये मैंने 8 इंच का मोल्ड इस्तेमाल किया है। इसको पहले ऑयल से ग्रीस कर लेना है, उसके बाद इसमें रखना है पार्चमेंट पेपर। और अभी मोल्ड में बैटर डाल देंगे। कभी भी बैटर एकदम ऊपर तक नहीं भरना है, हमेशा थोड़ी सी जगह छोड़नी रहती है, क्योंकि केक हमारा राइज होता है तो वो फूल के बाहर ना आ जाए। इसके लिए हमेशा केक बनाएं तो ये ध्यान में रखिए कि आप मोल्ड में एकदम पूरा ऊपर तक ना भरे। अभी ऊपर से थोड़े टॉपिंग्स के लिए हम डालेंगे बचे हुए रेजिंस और चेरीज। तो चलिए अभी ये केक बेक होने के लिए तैयार है। इसे बेक करना है 160 सेल्सियस डिग्री पे 50-55 मिनट्स तक, और 50 मिनट्स बाद केक हमारा तैयार है बेक होके। अभी इसे चेक कैसे करेंगे कि प्रॉपरली बना है कि नहीं, इसके लिए आप ऐसी एक कोई भी टूथपिक लीजिए, उसको इंसर्ट करके देखिए। अगर वो क्लीन बाहर आ रही है, मतलब आपका केक बराबर से बेक हो चुका है। अगर थोड़ा सा उसमें बैटर आ जाता है तो आप 5-1 मिनट के लिए थोड़ा और बेक करने रख दीजिए उसे। उसकी साइड्स लूज करके अभी इसे डीमोल्ड करेंगे। देखिए हमारा केक तैयार है, कितना इजीली वो आ गया है बाहर मोल्ड से। और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है देखिए। अभी मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ कितना अच्छे से स्पॉन्जी बना है ये। प्रॉपरली कुक हुआ है, देखिए एकदम स्पॉन्जी केक बना है। तो ये क्रिसमस आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करके देखिए गाइस, घर में प्लम केक बना के देखिए, अच्छा बनता है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो गाइस जरूर ट्राई कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे _foodtrail पे। मैरी क्रिसमस इन एडवांस टू एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।